नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, जय देव उत्तराखंड, आपका साथी एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का। एक बार दोस्तों, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज हम गाड़ी निकाल रहे हैं, तो उसके लिए लेने जा रहे हैं हम, और इसके बाद हम चीज़ें जाएंगे, तो काफ़ी मजा आने वाला है। ब्लॉग लास्ट तक बने रहें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अभी मैं जा रहा हूँ सीधे, क्या कहते हैं, सीकर के वहाँ पर, उसके बाद हम जाएंगे मारुति सुजुकी के शोरूम में, उसके बाद वहाँ से ले रहे हैं। पीछे मम्मी हैं और आगे सब जा चुके हैं, काफ़ी मज़ा आने वाला है आज का ब्लॉग पूरा, जितना भी हो चितई मंदिर का हम घूमेंगे, तो इन तक बने रहें। चलिए लाइट गेट स्टार्ट। Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a. और यहाँ पर अभी हम अभी जो भी काम है वो काम होगा, और साथ में मेरे साथ हैं मम्मी और भाई, लोग बैठे हैं बस। थैंक यू, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। उसके बाद आपको दिखाऊंगा मैं कौन सी गाड़ी हम ले रहे हैं और क्या क्या है प्रोसेसिंग। और पहली बार अगर आप गाड़ी ले रहे हैं, क्या क्या आपको चाहिए डॉक्यूमेंट, वो उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा शेयर करूँगा। थैंक यू। गाड़ी है और इसे सजा रखा है थोड़ा सा बढ़िया से, इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये तो ये कुछ है, कुछ ऐसा फीचर है इसमें, बोले एसी भी है, लेकिन बोले और अभी म्यूजिक सिस्टम लगाया नहीं है, और सब कुछ सही है। आपको कैसी लग रही गाड़ी जरूर बताएं, और ये पहाड़ के लिए सही भी है, और इस तरीके का कुछ डिजाइन है, और पूरा ये व्यू, और पीछे से कुछ इस तरीके का है इसका। आपको कैसी लगी जरूर बताएं। बस कुछ मिनट और हैं, उसके बाद ये गाड़ी अपनी हो जाएगी, और पूरा शोरूम है मारुति सुजुकी का, संपर्क कर सकते हैं यहाँ पर। गाड़ी यहाँ पर इस तरीके से, और पहले ये चॉइस मेरी ये वाली थी कि बड़ी गाड़ी, तो इसलिए फिर ये मज़ा नहीं आया इसमें कुछ चीज़ें, उसके बाद हमने ये वाला ऑर्डर किया, ऑर्डर की बुकिंग की सॉरी। और ये इस कार का नाम क्या है, इसका नाम क्या है सर? इग्निस। इग्निस, इस तरीके से इसका डिज़ाइन है, तो आप संपर्क आ सकते हैं यहाँ पर। और इसके बाद क्या क्या कागज़ लगते हैं, क्या क्या यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं, उस पर हम फिर डिस्कस करेंगे। जब अगर आप नई बार गाड़ी ले लेते हैं, तो क्या क्या कागज़ चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए, ये सब चीज़ें मैं आपको एक विश्लेषण से पूरे समझाने का प्रयास करूँगा। कागज बनेंगे वो आ जाएगा, कागज हमें तो खींचो, ओटीपी डाल देंगे उनको। उसके बाद आपके ये कागज, अगर आपने डिलीवरी गाड़ी निकालनी है, तो इस तरीके के हिसाब से फॉर्मेलिटी जो भी है होगी, तो उसमें देख सकते हैं डिलीवरी चेकलिस्ट है, इसमें पूरा समझा रखा है क्या क्या चीज़ें हैं। और ये पूरा दूसरा व्हीकल टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो भी है, कागज इनके लगेंगे, और इस तरीके की प्रोसेसिंग होगी। चलो ठीक है, पूरा हो गया जो भी था, और उसके बाद अभी बोल रहे हैं 15 दिन लगेंगे कागज आने में पूरा, और जो भी प्रोसेसिंग होगी 15 दिन लगेंगे कागज आने में, और ये पूरा ठीक हो गया। अभी थोड़ा सा हमने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया डिलीवरी का, और जो भी था फॉर्मेलिटी, उसके बाद सीधे गाड़ी जा रहे हैं, उसमें हमको इसकी बुकलेट मिलेगी, और उसके बाद ये चीज़ें होंगी। तो आइए चलिए, ये हो गया, आइए। तो चलिए हम अपनी गाड़ी निकाल रहे हैं, मैम यहाँ पर हैं। बोलो सेन देवता की जय, बोलो देवता की जय, बोलो हरि देवता की जय, बोलो देवता की जय, बोलो अग्निनाथ देवता की, माता पिता गुरु देवता, गंगे गोदावरी नर्मदा कावेरी सिंधु जगत जननी बारह हिम पुण्यादरी माता कुमारी माता वंदे मधु के सत्य देने वाली, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, नमो वंदे हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण, जय सिया राम जय बजरंग बली, जय हो। तो पूरा हो चुका है, और ये
तो दोस्तों हमने फाइनली गाड़ी निकाल चुके हैं और यहाँ से अब हम जा रहे हैं चितई में। और तो पूरे कागज जो भी है हमको भी नहीं मिले हैं, 15 दिन का टाइम दे रखा है और उसके बाद ही हमारा जो भी होगा उसके बाद कागज हमको मिल जाएंगे। तो अभी जो जो फॉर्म भरे गए, डिलीवरी वाला फॉर्म भराया था बुकिंग का और एक था व्हीकल रजिस्ट्रेशन ना देख, और ये क्या मिला है आप देख सकते हैं ये बुकलेट, इसमें हम इसके बारे में पूरा जान सकते हैं। और लगभग ये 4.5 लाख के आसपास बैठ गई थी पूरा, और RTO का काम अभी खुद कराना है। तो इस तरीके से अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि गाड़ी में क्या क्या लगते हैं उस चीज़ें, वैसे इधर आप पहली बार गाड़ी ले रहे हैं तो ये तरीके का काफ़ी मजा आने वाला है, इन तक बने रहें।